दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ईपीसी ने 1 नवंबर से 5 नवंबर तक के लिए पूरे दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। तो दिल्ली सरकार ने इसको हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। तो दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो दिल्ली में 4 नवंबर तक सभी SDMC स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। तो EPSCA की तरफ से ये आदेश यहां पर जारी किए गए हैं, 4 नवंबर तक सभी स्कूल है वो बंद रहेंगे। तो दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी घोषित की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन कार्यों पर भी रोक लगा दी है। तो आपको बता दें कि EPSCA ने 5 नवंबर तक के लिए ये रोक लगाई गई है। तो बता दें कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है, लोगों को आंख में जलन, सांस लेने में जो दिक्कत है वो हो रही है। तो पराली कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, किस तरह से दिन के वक्त भी धुंधला नजारा यहां पर दिखाई दे रहा है। एक सफेद चादर से पूरा जो आसमान है वो लिपटा नजर आ रहा है। लोग मास्क लगाकर घरों से बाहर निकलने को मजबूर।